आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर दिल्ली से। आज दिल्ली में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस की नाकामी दिल्ली वालों के लिए सरदर्द बन रही है। आज दिल्ली में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। आप पार्टी दिल्ली में सुरक्षा को चाक पौबंद बनाने के लिए मार्शल लगाने का फैसला किया था, मगर LG के फायर रोकने की वजह से दिल्ली वाले काफ़ी परेशान हैं। मोतीनगर विधानसभा भी चोरी की वारदात से अछूती नहीं है। बीते दिनों मोतीनगर विधानसभा के मनोहर नगर इलाके में चोरियों के बढ़ते मामले को देखते हुए इलाके से विधायक श्री शिवचरण गोयल ने इलाके के लोगों से मुलाकात की और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए शिवचरण गोयल ने बताया कि अभी जहां हम बैठे हैं इस समय, परसों रात को यहां के जो रहने वाले बाशिंदे हैं वो 6 बजे गए हैं और 8 बजे वापसी आए हैं, और 6:30 और 7:30 के बीच में ये चोरी हुई। घर का शीशा तोड़कर पूरा सामान निकाल कर ले गए। आप जहाँ बैठे हैं बिल्कुल इसके पीछे मकान है, ये मनोहर पार्क का मकान है, D27। और ये शिव मंदिर के बिल्कुल सामने है। ये रोड 24 घंटे चलती है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, और 6 से 8 का समय तो ऐसा है कि ऐसे यहाँ से कितने सैकड़ों हज़ारों आपके पैदल चलने वाले, गाड़ी पर स्कूटर पर सैकड़ों हज़ारों लोग यहाँ से निकलते हैं, और दिन दिहाड़े ये चोरी नहीं डकैती है। कोई शीशा तोड़कर उसके अंदर से एंट्री की है, क्योंकि हर थाने का चेयरमैन जो है वो हमारे MP हैं। पूरे क्षेत्र में आप कहीं पूछ लो कि पिछले 4.5 साल के अंदर हमारा जो MP है यहाँ से नदारद है। लोग तो कहते हैं गुमशुदा है, वो टेलीविज़न में दिखता है, लेकिन यहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुनने टाइम नहीं है। लोगों को उनका ये नहीं पता कि वो कहाँ बैठते हैं, कहाँ मिलते हैं। इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद भी इनको कोई भी खबर नहीं है कि यहाँ पर ऐसी वारदात हुई। और मेरा यहाँ पर 6 महीने के अंदर 4 चोरियाँ या डकैतियाँ यहाँ पर हो चुकी हैं। प्रशासन को इंटीमेट किया हुआ है और पूरा पुलिस प्रशासन, इन्होंने यहाँ पर 7:45 बजे PCR पर 100 नंबर पर फ़ोन किया, और PCR आई 11:45 बजे, यानी कि 3 घंटे बाद। तो ये तो हमारी व्यवस्था है यहाँ की PCR की भी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की इस समय सिक्योरिटी सिस्टम बिगड़ा हुआ है, और हमने इसके ऊपर बहुत कोशिश की थी। हमने पूरे एक विधानसभा के अंदर 500 डिफेंस वॉलंटियर हमने खड़े करने थे, ताकि एक एक मोहल्ले के अंदर 15 से 20 हमारे डिफेंस वॉलंटियर वहाँ खड़े होंगे। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो छेड़खानी होती है महिलाओं के साथ, बलात्कार होते हैं, चोरी होती है, डकैती होती है, उस पर अंकुश लगे। लेकिन वो फाइल भी हमारे LG साहब ने रोक के रखी हुई है। तो 30,000 वॉलंटियर पूरे दिल्ली में हमने नियुक्त करने थे। तो दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि आपके साथ एक भेदभाव चल रहा है। और जनता को राहत तो सही महीने में तो 2019 के इलेक्शंस आने वाले हैं, और अब तो हमारे साथ में जो कांग्रेस के पार्टी भी, अब एक नारा दे दिया उन्होंने, गली गली में शोर है, हमारे देश का चौकीदार चोर है।